अस्सलाम वालेकुम आप सब लोग, कैसे हैं? तो ये पास्ट फ्यू डेज़ काफ़ी बिजी हुई हैं, तो इस व्लॉग के अंदर काफ़ी लोगों ने मुझे बोला हुआ था कि आपने फिर से व्लॉग नहीं लगाया, तो इस व्लॉग के अंदर मैं बस थोड़े से जो मेरे पहले के व्लॉग्स थे उनकी क्लिप्स मैं ऐड करके बता दूंगी। और ये मैंने कॉन्टैक्ट लेंस लिए थे ब्राउन कलर के अंदर, तो ये देखो एक आँख में मैंने पहना हुआ दिखाने के लिए, पर ये जो था ये बस आउटर वाला था क्योंकि मेरी प्रिस्क्रिप्शन वाली होती हैं ऐसे, तो जो वो ग्रीन था वो अभी तक नज़र आता था, तो फुली ब्राउन नहीं लग रही थी मेरी आंखें। बस ओके, मैंने ट्राई करना था, मामा को नहीं अच्छी लग रही थी। मामा बोलती थी कि मैं डरोनी लग रही हूँ। और फिर मैं और मरियम यहाँ आए थे, बोबा ब्लूम यहाँ पर था 50% ऑफ, तो यहाँ से मैंने अपनी लिए थी अनम की, अब्दुल्ला की और लाइबा की ड्रिंक्स। तो ये थी अनम और अब्दुल्ला की, और फिर लाइबा की थी उस पैक के अंदर, और वो मरियम की जो सिस्टर उसकी भी थी, तो ये अंदर से था ऐसे, तो काफ़ी ये नाइस है। ये थी बोबा ब्लूम, ये था वेडिंग वाला एक है वो किंगम के अंदर भी। तो ये देखो इनके कप्स कितने प्यारे थे, इतने क्यूट लगते थे। तो मैंने ली थी पाइन एप्पल वाली और साथ में लीची बोबा एंड देन लीची जेलीज। और फिर ये मरियम ने ली थी प्रीमियम मिल्क टी। और फिर यहाँ पर अब ये लाबा की बर्थडे थी तो हम सब लोग जा रहे थे वहाँ पर, तो यहाँ पर खाला मुझे दिखा रही थी कि कैसे बनाते हैं जैसे व्लॉग्स, कैसे वो सबसे अच्छा इसके अंदर जैसे क्वालिटी आती है। तो देखना, हम अभी अकाई लाउंज जाएंगे और फिर इन क्लिपों के बाद वो होएगा जब मैं और मामा और लाइबा एल्फेड गए थे, उसकी थोड़ी सी क्लिप्स थी मेरे पास तो मैंने वो भी यहाँ पर लगा दी थी, वरना तो मेरी वेस्ट हो जानी थी। और वो जैसे आप मेरा वाला भी देख लेना जैसे जब हम गए थे। और फिर होएगा इसके अंदर जो मैंने ईद गिफ्ट दी थी मामा और पापा की, काफ़ी पुरानी पुरानी है पर वो मैंने लगाई नहीं थी क्योंकि मैं बिज़ी थी अपने, मेरे एग्ज़ाम्स हो रहे थे। आई डोंट नो व्हाट आई एम सेइंग गाइस, बट एनीवेज यहाँ पर हम जा रहे, थोड़ी देखो इतना डार्क हो गया था, हम काफ़ी लेट जा रहे थे और पर अभी तक वो सनसेट वहाँ पर नज़र आ रहा था, तो स्केरी लग रहा था थोड़ा सा कैमरा के ऊपर, पर रियल लाइफ के अंदर काफ़ी जैसे वो प्यारा लग रहा था। वी लव इट। अब्दुल्ला पीछे बैठा हुआ था और वो मुझे बोलता जा रहा था कि ओ ये पीछे देखो जैन, पीछे देखो। मैंने बोला था मैंने देख लिया। और अब हम यहाँ पर अकाया आए हुए थे तो ये खाला भी हमारे साथ आई थी, वहाँ पर मामा बैठी हुई थी खाला के साथ, और फिर पापा थे, अब्दुल्ला थे, और फिर मेरे सामने थे यानी था, और फिर थे खालू। और फिर यहाँ पर हमने ऑर्डर की थी 10 डेज, ये थी हनी मस्टर्ड वाली थी, वो थी बफलो और डायनामाइट। और फिर ये हमने किया था फैमिली प्लेटर वाला ग्रिल जो था, तो ये देखो यहाँ पर धुएँ कैसे निकले थे, सब लोगों को काफ़ी अच्छा लगा था खाना। और फिर यहाँ पर थे जो ईद गिफ्ट्स मैंने मामा और पापा के लिए थे, ये मैंने लगाए नहीं थे मुझे लगता है, डिड आई? नहीं, मैंने नहीं लगाए थे क्योंकि ये बाद में बना था, पर फिर मैंने लगाना था एंड देन आई फॉरगॉट टू। एनीवेज ये था जो मैंने मामा के लिए ली थी चीज़ें। तो ये जो एल्फ का ऑयल है ये वाला मैं भी यूज़ करती हूँ, और ये मेरे पास काफ़ी देर का था क्योंकि मैंने जब लिया था तो आई डोंट नो अगर बॉयकॉट के अंदर है या नहीं, पर ये जो परफ्यूम है और ऑयल ये ही आई एम नॉट टू श्योर, पर ये मेरी काफ़ी देर पहले की चीज़ें पड़ी हुई थी। और फिर यहाँ पर मैंने चॉकलेट्स लिया था, ये वाला गिफ्ट सेट लिया था, और फिर ये थे बाथ सॉल्ट्स, ये वाले मैं भी यूज़ करती हूँ, काफ़ी नाइस है इनका जो सेंट भी आता। और फिर एक था ब्यूटी ब्लेंडर। और फिर यहाँ पर थे मामा और पापा बैठे हुए, यहाँ पर मैं वॉइस ओवर नहीं करूँगी, आप इनकी बातें सुन लेना। और ये है जी एल्फ का, ये है ऑयल, स्किन ऑयल, और ये क्या जाना है? बाथ सॉल्ट है। अच्छा, बाथ सॉल्ट। ये है मेरा परफ्यूम। भाई मैं जल्दी में इसलिए हूँ क्योंकि मैं हांडी उतर गई मैंने हांडी ऊपर रखी हुई है। और ये है मेरा बाथ गिफ्ट सेट। थैंक यू जैनब, वेलकम। ये है हैट, पी कैप हैट, जो भी कह लें, हैट हैट होती है, हैट में बड़ी किस्में होती है। I don't know what color to get. There was like a maroon one. Yeah, does it fit? Okay. पूरी आई है बाबू। वो अच्छा सोई थी पीछे से वैसे। ये लाओ मैं सही हूँ तो आ दूँ। ये क्या बना हुई है ऊपर? Yes, look at it. T-shirt है। वाह जी वाह। Yes, ये मजे की है। Yes, है ना? Cappuccino is keeping me going. It says cappuccino is keeping me going. Thank you. I don't know if you allowed them or not. Hello. Can you eat them either?
चॉकलेट तो इन्होंने खानी है, ऊपर कोकोनट है ना, अलाउड नहीं, एक एक मैं खा लूंगा बाकी आप सब। यार जो मैंने भी पापा के लिए कुछ लेके रखा हुआ है, पापा ने मेरे लिए। ये है जी मेरी तरफ से वसीम के लिए, शुक्रिया। ठीक है, ये देखो मेरा, तो अब ये जो मेरा है वो मुझे देंगे। लो जी, चलो जी, बहुत शुक्रिया। अब खोलो इनको। अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोग कैसे हैं? आपके सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैं, मामा और लाइबा जा रहे हैं, कहाँ जाना है फिर देखते हैं। आज एल्फिर जाएंगे या फिर वहाँ जाएंगे साउथ वर्ल्ड, कहीं नहीं, पर अभी डिसाइड कर देना ताकि मैं फिर वो फोन के पर ही कर दूँ। एल्फिर जाएं, आई डोंट माइंड, एल्फिर चलते हैं, ही विल गो एनीवे गाइस। वो जो ईद का व्लॉग था उसके अंदर जो अगर आपको पीछे किसी बच्चे की आवाज़ आएंगी वो थे हमारे नेबर, क्योंकि अनम और अब्दुल्ला और वो खेलते रहते हैं गार्डन के अंदर, तो वेदर भी नाइस होता है, तो वो हमने दरवाज़ा भी खुला छोड़ा होता है, विंडो भी, और अनम और अब्दुल्ला ज़्यादा गार्डन में ही रहते हैं। तो अब हम जा रहे थे एल्फिर, तो काफ़ी लोगों ने पूछा हुआ था, तो आज जिस तौर के मैं आपको बता दूं, तो एक था वो पिकनिक वाला भी, वो हमारे साथ ही गए थे क्योंकि पाक हमारे घर के सामने ही है, तो वो भी पाकिस्तानी है, तो वो मामा की भी फ्रेंड बन गई हुई है। सो ये एनी वेज यहाँ पर अब हम जा रहे हैं। अब ये बड़ी फास्ट हो चुकी है, मतलब अब हमारे सामने बैठी हुई होना तो उसका फिर वो मुंह पीछे आ जाना था अगर हम वहाँ बैठते। एंड देयर इज ओनली 3 सीट्स, सो शी इज इन फ्रंट ऑफ अस गाइस। एंड द लावा को मैं छुपा, आई हैवंट बीन ऑन अ ट्रेन, यू नो, ओनली वंस इन प्राइमरी स्कूल एंड व्हेन आई वेंट ट्रिप टू लंदन, बट दैट वाज इट। सो वी गोइंग टू लंदन पैडिंगटन फर्स्ट। गाइस मैं भूल गई नहीं थी वॉइस ओवर करने के लिए जो ये इससे पहली क्लिप थी, मैंने जान के नहीं किया था आप लोग व्यू एंजॉय करो और आप वो सुनो ट्रेन की आवाज़ें। तो अब हम पैडिंगटन पर रुक गए थे, तो यहाँ से अब हमने अगली ट्रेन पिक नहीं करनी, अगली ट्रेन के ऊपर चढ़ना है। तो एनीवेज देखो, ओह माय गॉड, यू कैन सी माय फेस, आई विल हैव टू ब्लर दैट इन अ सेकंड बिकॉज़ आई कांट बी डूइंग अ फेस रिवील गाइस। एनीवेज यहाँ पर अब हम वॉक कर रहे थे, तो यहाँ पर मैं पहले नहीं आई हुई, मुझे था मामा और लाइबा आई हुई हैं, जब लाइबा का हमने वो इन्होंने नादरा कार्ड करना था, और फिर हम यहाँ पर वतन आए थे, और फिर यहाँ पर थी हमारी मॉकटेल्स, और फिर देखना कि वो फूड के अंदर क्या क्या था। तो वतन हम जाते होते हैं जब हम साउथ वर्ल्ड भी जाते हैं, तो इनका खाना काफ़ी अच्छा होता है और इनकी जो सीटिंग एरिया भी होती है काफ़ी नाइस होता है। तो ये है अफ़गानी रेस्टोरेंट, तो जो इनके खाने होते हैं इनके अंदर थोड़ी लेस स्पाइस होती है और पापा से भी खाया जाता है, तो जब हम जाते होते हैं पापा बोलते हैं कि हम वतन जाते हैं। तो एनीवेज ये थे इनके राइस, दो टाइप ऑफ राइस होते हैं, और फिर यहाँ पर थे कबाब थे, और फिर ये है लास्ट वाला जो क्लिप है मेरा मिनी व्लॉग का, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मिनी व्लॉग थे और मेरा वॉइस ओवर का आवाज़ बड़ी कम होती है, पर पता नहीं मैं अपनी बेस्ट ट्राई करती हूँ ऊंची आवाज़ के अंदर बोलने के लिए, बट आई डोंट नो व्हाई डस दैट। एनीवेज अब हम जा रहे थे साउथ सोल, ये था जब रोमा खाला हमारे घर आई हुई थी, तो हम ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे थे, तो मैंने ये पिंक अबाया पहना हुआ था, ये अनम ने पहना हुआ था, मुझे तो अब हम घर जा, नो वी वांट गोइंग होम। तो ये मैंगो लस्सी है, यहाँ पर थी सारी चटनियाँ, और हम गए थे चांदनी चौक, और फिर ये थी नहारी थी, और ये था, ये क्या था, चने थे, ये थे चने, और बड़ा मज़े का था सब ये सारा खाना, और बारिश ना शुरू हो गई थी, तो यहाँ पर अब मैं जाके घुस गई थी खरियों के शेड के अंदर ताकि मैं गीली ना हो जाऊँ, तो काफ़ी हैवी रेन हो गई थी। तो यहाँ पर थे इनके सारे पकोड़े, समोसे, टिक्कियाँ, और फिर अब हम घर जा रहे थे। तो ये देखो, ये मुझे प्लेन नज़र आ रहा था, और फिर मुझे इतना याद आ रहा था जब हम पाकिस्तान गए थे और हम नाना अबू के पास थे, तो मेरा दिल जा रहा था कि मैं गाड़ी के अंदर से निकल के इस प्लेन के अंदर चली जाऊँ, पता नहीं कैसे, बट मेरा दिल जा रहा था। तो अब हम घर जा रहे हैं, तो मैं आपको एक और व्लॉग में मिलूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।